जैसा कि अब आप सभी का कल मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है और मैथ्स के एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि मैथ्स पे एक लेंदी सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है और आप सभी को गैप भी बहुत कम मिला है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे कि आखिर कल आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्या कुछ करना चाहिए। देखो, मेरा आप सभी बच्चों से यही कहना है कि जब आप कल सुबह उठें, सो के उठें जब भी, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपके पास एक मैथ्स का फार्मूला सीट होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो हमारे चैनल पे मैथ्स का फार्मूला सीट आपको प्रोवाइड किया गया है। आप उसको डाउनलोड करें और जितने भी फार्मूले दिए गए हैं उन सभी को आपको डिटेल में एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। उसका बेनिफिट आप बच्चों को क्या मिलेगा कि जो आपका अब पता होगा कि आपको 15 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत सारे MCQ जो हमारे होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूले पर डिपेंडेंट होते हैं। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि सुबह सुबह सबसे पहले फार्मूला सीट पढ़ना है, सही से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। क्योंकि अगर मान लो आप कोई क्रिकेट गेम ही खेलने जा रहे हो और आपके पास बैट ही ना हो तो आप कैसे गेम खेलोगे, या बॉल ना हो तो कैसे गेम खेलोगे। तो ठीक जस्ट वैसा ही है मैथ्स का एग्ज़ाम। अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको मैथ्स के सभी फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको चैप्टर्स का फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे टैकल कर पाओगे। और मैंने हर बार बोला है कि अगर आपको फार्मूला पता है, आप अपने क्वेश्चंस में फार्मूला पुट करके आते हैं, तो उसके भी आपको स्टेप मार्किंग्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम सुबह आप बच्चों को यही करना है, जब सुबह जब भी आप सो के उठें, सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैथ्स के फार्मूले का रिविज़न ज़रूर करें। साथ ही साथ अब आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा कि मुझे सेक्शन बी पहले स्टार्ट करना चाहिए या सेक्शन ए स्टार्ट करना चाहिए। देखो, ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको टाइम स्लॉट को अपने डिवाइड करना है। अगर आपके दो का पेपर 2 घंटे का है तो आप जितना जल्दी हो सके, जितने स्पीड में हो सके, सेक्शन ए को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप मैक्सिमम टाइम बचा कर रखें सेक्शन बी के लिए। दोनों का वेटेज सेम है। सेक्शन ए भी आपका 40 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का आता है, लेकिन सेक्शन ए में आपके 15 MCQ क्वेश्चन है तो उनमें आपका समय थोड़ा कम लगेगा। हो सकता है आपके पास टाइम बच जाए, और नहीं भी बच रहा है तो आप समय बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आप सेक्शन ए से जितना समय बचाएंगे उसका यूज आप सेक्शन बी में कर पाएंगे। तो आपको सेक्शन ए को थोड़ा जल्दी कह लो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। विद इन 50 मिनट्स, 50 मिनट से पहले आपको सेक्शन ए ख़त्म ही कर देना है। एंड आपको एक काम और करना है स्टार्टिंग में ही, जब आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें सेक्शन बी से वो कौन से 4 क्वेश्चन हैं जिनको अटेम्प्ट करके जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके अब आप जब आप पेपर लिखना शुरू कर दोगे और उस समय आप बैठ कर डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो एक ये हैक्टिक प्रोसेस भी होगा। आप पहले से ही माइंड मेकअप करें कि मुझे सेक्शन बी के कौन से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और उनको सेलेक्ट करने का मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो अभी पोस्ट हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, बाकी ये काम आपको कर लेना है। देन आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी भी होता है, और अगर आप कैलकुलेशन में टाइम दोगे, इन सब चीज़ों पर टाइम दोगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप टाइम आपको देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और आप सही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी गलत कर देंगे, आंसर आपका गलत आएगा, मार्क्स कट जाएगा। तो सब कुछ आपको मैनेज करना है, समय भी कम देना है, कम से कम समय में क्वेश्चन को करना है, सही भी करना है, और बहुत ज़्यादा स्टेप लिखने के चक्कर में अपना पड़ जाए। जितना गिवन और डाटा वाटा है उसको लिखें थोड़ा बहुत, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख के भी आप काम चला सकते हैं। बाकी मेरा आप सभी बच्चों से यही कहना है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय होपलेस नहीं होंगे। जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाला है। और अगर आप डर जाएंगे कि मैं तो बहुत अच्छा नहीं किया मैंने, अब मेरा क्या होगा, तो जब आप होपलेस होते हैं तो आपके पेपर भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है एकदम जेन्युइन तरीके से जाओ, कोई भी क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करना है। और किसी क्वेश्चन में बाय द वे हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक रूल्स हम भूल रहे हैं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप फार्मूला तो अप्लाई करके ही आएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सुबह उठते ही मैथ्स का फार्मूला सीट आपके पास होना चाहिए, उसको आप ज़रूर आपको रिपीट करना है। बाकी जो क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, पहले MCQ कर लेंगे, देन 2 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, देन सेक्शन बी पे आप चले जाएंगे। एंड मेरा आप सभी बच्चों सही कहना है कि अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आपने ऑजी बोरिस्टोग्राम को नहीं पढ़ रखा है, तो उनको आप जाके एक बार डिटेल में ऑजी बोरिस्टोग्राम को ज़रूर पढ़ लें। बाकी लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी हेल्प मिला है, मैथ्स में थोड़ा भी मैंने आपको हेल्प किया है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प किया है, तो आप हमारे चैनल को अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएँ कि हाँ एक चैनल है जिसपे आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी कल के डेट में आप एक वीडियो हमें ज़रूर शेयर करें, हमारे टेलीग्राम
ग्रुप में, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप हमारे चैनल के बारे में जो कुछ भी आपको हेल्प हमारे चैनल से मिला है, क्या बेनिफिट हुए हमारे चैनल से, उसको आप डिटेल में बता रहे होंगे। साथ ही साथ आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, हमारे वजह से आए हैं। देखो, हमारा तो कोई रोल नहीं है, रोल तो सारा आपका होता है, पढ़ना आपको होता है, बट बस हम गाइड कर रहे होते हैं। तो कुछ भी, क्या कुछ हमारे गाइड में आपको हेल्प मिला है, वो कुछ आप अपने मन से जो कुछ भी आपको कहना है आप हमें बता सकते हैं, और ज़रूर पोस्ट करें, ताकि हम उन वीडियोज़ को अपने यूट्यूब पे पोस्ट करके आपको, जूनियर्स को अपने चैनल के बारे में बता सकें, आपका फीडबैक दे सकें, या कि हमारे चैनल के लिए बच्चों का फीडबैक क्या है, ठीक है, ताकि जो आपके जूनियर्स आएंगे उनको भी भरोसा हो। बाकी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फार्मूला आप ज़रूर रिवाइज करेंगे। मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है कि आपके पास क्रिकेट का बैट ही ना हो तो कैसे गेम खेलोगे। तो फार्मूला सीट ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। साथ ही साथ जो मैंने अपने इस चैनल पे टॉप 10 कह लो मैथ्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो बना के डाला है, उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आप उन टॉपिक्स को अभी भी मिस कर रहे हो तो आप उनको पढ़ लेना, उनको आप स्किप नहीं करना। जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कराए हैं जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जो दोबारा मैं कहूँगा कि आपको होपलेस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हो, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठ गए हो। मैथ्स जब आप क्लास 10th में जाते हैं, क्लास 9th में जाते हैं, तो आप फर्स्ट डे से ही मैथ्स को पढ़ना शुरू हो कर देते हैं, तो ऑलरेडी आपका मैथ्स बहुत अच्छा प्रिपेयर रहता है। बट अब जो बच्चे लापरवाही कर रहे होते हैं उन्हीं को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो लोग रेगुलर मैथ्स के टच में हैं उनका मैथ्स प्रिपेयर है, तो आप अपने पर भरोसा रखो, आपको डरना नहीं है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा प्रिपेयर है। और अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आप मार्क्स आपने स्कोर किया है, मैंने हर बार बोला है, हर वीडियो में बोला है कि प्री बोर्ड में अगर आप 50 मार्क्स स्कोर करते हो 80 में, तो 100% बोर्ड में आप 65, 60, 70 तक जा सकते हो, उससे कम नहीं आएगा। प्री बोर्ड आपके डिफ़िकल्ट होते हैं, तो कहीं से भी आपके दिमाग में ऐसे डाउट्स हों, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा था, बहुत बच्चे ये डाउट्स शेयर कर रहे थे कि प्री बोर्ड मेरे मार्क्स कम आ गए थे। देखो, प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए उसके कई सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, स्कूल पेपर आपका कठिन बना रहा होता है। तो बस ये सब चीज़ें बताने का मेरा मोटो यही है कि आप ज़्यादा होपलेस नहीं हो, एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में फुल कॉन्फिडेंस में जाएं, जो भी क्वेश्चन है सही से फार्मूला लिखें, सही से फार्मूले को अप्लाई करें, सही से कैलकुलेशन करें, आपका आंसर सही आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही कुछ एक बातें थी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ज़रूर जानना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था मैथ्स के पेपर को लेकर डीमोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि गैप ज़्यादा मिला नहीं है। जाहिर सी बात है, बहुत सारा कुछ आपने नहीं पढ़ पाए होंगे एक दिन में, क्योंकि मैथ्स में वाकई भी 22-23 चैप्टर हैं, तो एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप मैथ्स पूरे साल भर पढ़ाई की हो, अपने में भरोसा रखो, आपके मार्क्स मैथ्स में बहुत अच्छे आने वाले हैं, बस आपको होपलेस नहीं होना है। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बस मैं दोबारा कहना चाहूँगा, हमारे चैनल के बारे में एक फीडबैक आप ज़रूर दें, जो भी आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल पे ज़रूर बताएं, कुछ कमियां हैं तो भी बताएं, और इस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।